खेल से लेकर मनोरंजन जगत पर नजर, आधे घंटे में 20 बड़ी खबरें। बाबा बुलडोजर के डर से 24 घंटे में गिरफ्त में आए हत्यारोपी। जी हां, लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लखीमपुर सेठ घाट पर ठेकेदार की गोली मारकर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को कुलदीप वाजपेयी व विकास दीक्षित उर्फ बिक्कू को सदर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ठेकेदार की गोली मारकर हत्या करने के बाद से दोनों आरोपी चल रहे थे फरार। दोनों आरोपियों पर 25,000 का था इनाम। सदर कोतवाल चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में हुई दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी। महज शराब पीने से मना करने पर दो दबंगों ने बीती 2 जनवरी को सदर कोतवाली के सेठ घाट के पास शराब पीने से मना करने पर हरियाणा से आए मजदूर बलराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पोते की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी कुलदीप वाजपेयी पुत्र राकेश वाजपेयी व विकास दीक्षित उर्फ बिक्कू पुत्र रमाशंकर दीक्षित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश में कोतवाली पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी जब पुलिस के हाथ आरोपियों के गिरफ्तार तक नहीं पहुंचे, तब पुलिस बाबा बुलडोजर के फार्मूले पर आई और आरोपियों के दरवाजे पर बुलडोजर लेकर पहुंच गई, जिससे परिजनों की दुहाई पर परिजनों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर बुलडोजर का खौफ दिखाया गया, जिसके बाद दोनों आरोपी महज कुछ ही घंटों में पुलिस की झोली में आ गिरे। खुलासा हुआ है, इनामी अभियुक्त को पकड़ा गया। 2 जनवरी की रात को सदर कोतवाली के एक प्रकाश नगर एरिया है, इसमें एक निर्माण टैंकी बन रही थी, उसमें कार्यरत थे, वो लोग वहाँ रहते भी थे। पास ही बाउंड्री में 3 व्यक्ति जिसकी पहचान कुलदीप वाजपेयी, विकास दीक्षित और शुभम के रूप में की गई थी, वो लोग बैठ के शराब सेवन कर रहे थे। उन लोगों को इसमें कहा सुनी हुई, इसमें वो जो मजदूर थे उनको गोली मार दी, तत्काल ही उनकी गोली करके मृत्यु हो गई। हम लोगों ने पूरी टीम लगा के उसमें घटना खुलाते के लिए लगातार प्रयासरत रहे, जिसका क्रम था कि कुछ फुटेज मिले हमें, आसपास के लोगों से पूछताछ की, जो संदिग्ध है उसकी पहचान हो गई। उसके बाद इसमें जो 2 व्यक्ति हैं उसको भेजा जा रहा है जेल, जिसके लिए हमने इनाम भी घोषित किया था, और एक जो शुभम है उसको वांछित किया गया है, हम उन पर भी इनाम घोषित करें।